अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आज हम आज बनाने वाले हैं टिक्का। रात के 10 बज रहे हैं और 9 बजे अचानक हमारा प्लान हुआ कि हम बनाएंगे टिक्का। और अब हमने गोश में मसाला लगा के रख दिया है, ये देखो, ये देखिए मसाला लगा के रख दिया है और हम बनाएंगे टिक्का। टिक्का किस पे बनाने वाले हैं आज हम गाइस? टिक्का बनाने वाले हैं सीख पे, क्योंकि अचानक प्लान हुआ था। सो मुझे कचरी पाउडर, वो जो गोश्त गलाने वाला पाउडर होता है, या पपीता, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं मिली। और हमने स्टार्ट भी मतलब लेट नाइट किया है, 9 o'clock हो रहे हैं यहाँ पे, और हम बनाने वाले हैं टिक्का क्योंकि अचानक ही मूड हुआ। सो गोश्त भी मेल्ट नहीं किया हुआ था ना अचानक से, हमने जल्दी से निकाला, मेल्ट किया, कचिंग की, वॉश किया, उसके बाद अब मसाला मंगाने खड़े हो गए। और मज़ेदार से टिक्का बनते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास अंगीठी है। सो हम सोच रहे हैं कि ना ऊपर जाके छत पे मज़ेदार से टिक्का बनाए, बट देखते हैं कैसा टिक्का बनता है। अब आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है आग लगा ली है, मतलब आग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि कहीं किसी जगह पे आग लगा दी, मतलब ऐसी बात कर रही हूँ। बट यह है कि यहाँ टिक्का रेडी करने के लिए जो है अंगीठी में कोयले वगैरह रेडी कर दिया। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ यहाँ पे, एक बहुत मज़ेदार सी बात यह है कि मज़ेदार कह लें या जो भी कह लें, यादगार कह लें, इसके लिए जो हमने कॉयल्स यूज़ किए ना, कोयले यूज़ किए हैं, ये कोयले इतने पुराने हैं, मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने ये लिए थे। और हम लोगों ने बिल्कुल रेडी था, हमारा प्लान मसाला वगैरह वगैरह लगा के हम लोग रेडी थे कि हम लोगों ने रात में जो है टिक्का नाइट पार्टी करनी है। बट जी है कि आतिफ जो गाड़ी का मेरा आई थिंक दोस्तों आर्मी गाड़ी में थोड़ा सा काम था, आतिफ वर्कशॉप गाड़ी लेके गए और वहाँ रात हो गई, इनको लेट नाइट वहाँ बैठे रहे रोड पे, तो वहाँ इनको किसी मच्छर वगैरह ने काट ली। घर आए, इनको इतना ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर था और फिर टेस्ट वगैरह कराए तो इनको डेंगू हो गया था, इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर हमारी टिक्का पार्टी ये वो सब एंड हो गया, फिर ये मैंने सारे कोयले वगैरह लपेट के जो है ना रख दिए थे। और आज जब हमारा प्लान हुआ, फिर हमने जो है ये हमें घर से ही मिल गए और स्पेशलिस्ट को मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ हमारी अनाया भी छत पर आ चुकी है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत उसको मज़ा आता है। और ये कहती है, बहुत ज़्यादा मूडी है, कहती है मैं जो कर रही हूँ, जो भी चाह रही हूँ, बस मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे कोई पकड़े नहीं, और मैं मेरा जो दिल चाहे मैं वो करूँ, मेरा जो दिल चाहे मैं वहाँ जाऊँ, ऐसा कुछ कहती है अनाया। और इस तरह से बहुत ज़्यादा तंग भी करती है ना, क्योंकि क्रॉलिंग करती है तो उसके बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है ना। मैंने उनको घर से कॉल की कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो छत पे टिक्का पार्टी कर रहा हूँ, हम लोग टिक्के बना रहे हैं छत पे, मैं टिक्के खा रहा हूँ। और मैंने उस समय में फ़ोन बंद कर दिया था कि मैंने कहा लो भाई यहाँ तो टिक्के बना के खुद ही से खा रहे हैं और मुझे बुलाया भी नहीं ना मुझे बताया। तो बट इन्होंने ये मजाक किया था, फिर जब मैंने लगा कि लाइक मैं गुस्से हो गई, नाराज़ हो गई, तो इन्होंने मजाक को सच कर दिया। इन्होंने जल्दी जल्दी से बीफ निकाला फ्रीज़र से और मेल्ट करने रख दिया, और यहाँ पर जो है पूरा इन्होंने इंतज़ाम कर दिया कि लाइक अब हम टिक्के बनाएंगे, और मुझे कॉल की कि जल्दी से आ जाओ। फिर मैं सारे काम छोड़ कर आ गई और हम बना रहे हैं टिक्के। जब तक हमारे टिक्के रेडी हो रहे हैं, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जल्दी से जाके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर मैं ये बताते चलूँ कि यहाँ पर मैं कोई टिक्के वक्के नहीं बना रही, बस जस्ट मैं वीडियो बनाने के लिए आके एक स्टिक से घुमा दी है कि चलो भाई ये लगे कि मैं टिक्के बना रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बनाऊँगी, मैं तो जस्ट खाने के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैंने मसाला लगाया और बड़े मज़े से मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि टिक्के हमारे जो है फर्स्ट शिफ्ट जो है फर्स्ट वो है रेडी होने वाली है, सब हम खाएँगे। यहाँ पर जो है बरीरा सबसे पहले लाइन में लगी हुई है, यहाँ पर हमारी घर की भुक्कड़ है, ये सबसे पहले लाइन में लग जाती है, करती कराती है, कुछ भी नहीं है, बस ये कि लाइन में सबसे आगे ये होती है। और वही बात हो गई ना, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए, सो ऐसे ही कुछ बरीरा ने भी किया था।
बट बेचारी बड़े शौक से आई, क्योंकि मैंने बताया था अभी कचरू पाउडर और गोश्त गलाने वाला कुछ ऐसा पपीता वगैरह था नहीं, तो बड़े शौक से एक्साइटेड हो गई आई बेचारी खाने के लिए। और उससे तो भाई कह रही है मुझसे तो टूट ही नहीं रहा ना, लेकिन अब ऐसी भी बात ही नहीं कि टूटे ना, बड़े मज़े के बने थे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ज़बरदस्त से तैयार हुए थे। अभी तो हमारे छोटे बेबी जो है उनके दादी ने उनको ले लिया और वो बड़े मज़े से सो रही हैं कॉट में, क्योंकि यहाँ पर जो है 11 o'clock होने वाले हैं। सो अब हम भी यह है खाना खाने के बाद फ़ौरन से जो है सोने का इंतज़ाम करेंगे। सुबह सबका स्कूल है, सब बच्चों ने भी स्कूल जाना है, मैंने भी जाना है, इन्होंने भी जॉब पे जाना है। बड़े मज़ेदार से तिक्के बने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह हाफिज़।